नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग वापस बात करने वाले हैं एसए 20 लीग 2024 मैच नंबर 29 के बारे में, जो होने वाला है जोसनबर्ग सुपर किंग्स वर्सेस दर्बन सुपर जायंट्स के बीच में। कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो गाइस सीधा बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो गाइस सबसे पहले तो बात करते हैं ये जो मुकाबला होने वाला है कहाँ होने वाला है। ये मुकाबला होने वाला है द वॉन्डर स्टेडियम में, रात को 9 बजे देखने के लिए हमको ये मुकाबला मिलेगा, 3 फरवरी 2024। तो भाई देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं ये जो वेन्यू है द वॉन्डर स्टेडियम कैसा स्टेडियम है, इसके ऊपर क्या रिकॉर्ड्स हैं अभी तक, उसके ऊपर जरा थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। देखो यहाँ पर 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से 33% जो है पहले बल्लेबाजी की विन परसेंटेज है, 67 जो है दूसरे बल्लेबाजी की, यानी कि जो बॉलिंग करने पहले टीम उतरी ना उसके जीतने के चांस थोड़ा ज़्यादा नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें फर्स्ट एवरेज इनिंग स्कोर जो कि थोड़ा सा कम है, लगभग दोनों ही फर्स्ट एवरेज और सेकंड जो है 140 के आसपास है। हाईस्ट टोटल अभी तक पिच पे 171 का है, लोएस्ट 78 का है, हाईएस्ट इज 170 का, यानी कि ओवरऑल जो बात करें लगभग 150+ रन बनने वाले हैं वाली पिच के ऊपर, और जो टीम पहले बॉलिंग करेगी उसके जीतने के चांस ज्यादा रहेंगे। अब बात करते हैं दोनों ही टीम के बारे में, जो दोनों टीम है वो जीतने में भाई कैसा परसेंटेज रखती है, मतलब कितना उनका रिकॉर्ड चल रहा है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले 5 मुकाबलों की। पिछले 5 मुकाबलों में भाई देखो जोसनबर्ग ने यहां पर अभी तक सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं, वहीं दूसरी बार जो अपनी जो टीम है ना ये वाली भाई दर्बन सुपर जायंट, इन्होंने 5 में से 4 मुकाबले अपने नाम करे, जो पिछला मुकाबला ना बस वो हार के आ रही है, पिछले 4 में से लगातार जीतते हुए आ रही। तो यानी कि मेरे को जो ऐसा लग रहा है ना अभी जो है दर्बन सुपर जायंट थोड़ी सी फॉर्म में चली, पर देखो दूसरी टीम भी कम नहीं है, ऐसी बात नहीं है, जोबर सुपर किंग्स कम नहीं है, पर फिर भी उसके मुकाबले में दर्बन थोड़ी सी पावरफुल है। हेड टू हेड की बात कर लेते हैं, हेड टू हेड में क्या क्या हुआ है जब जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई ना उसमें क्या हुआ है, देखो इसमें थोड़ा सा पासा पलट जाता है। वहां पर अपनी दर्बन सुपर जायंट आ गए थे, यहां पर जो है जेएसके आ गया, दोनों ने 2 विन कर रखी है, और दूसरी ओर डीएसजी ने सिर्फ 1 विन कर रखी है, यानी कि हेड टू हेड के मामले में और टीम कंपेरिजन के मामले में लगभग बराबर सी है दोनों टीम। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें, पॉइंट्स टेबल पर क्या हुआ है, देखो पॉइंट्स टेबल में बहुत ज़्यादा अंतर है यहाँ पर। पॉइंट्स टेबल में जो ये जो मुकाबला चल रहा है ना, ये वाली जो लीग है, इस लीग में भाई जेएसके का बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस चल रहा है, मुझे साफ नज़र आ रहा है। देखो भाई कितना ज़्यादा अंतर है, 32 पॉइंट और 13 पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा अंतर है। और यहाँ पर 7 मुकाबले वो जीती है, एक भाई बहुत ज़्यादा अंतर मेरे को नज़र आ रहा है, यानी कि ओवरऑल जो है ना दर्बन सुपर जायंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मुझे जो है नज़र आ रही है। वहीं बात करें फाइनल बात करते हैं भाई टीम कंपैरिजन की, दोनों ही टीम को जो कंपेयर करके देखते हैं क्या क्या बैठता है। देखो एवरेज स्कोर देख सकते हो तुम लोग भाई किसका ज़्यादा है, दर्बन सुपर जायंट्स का बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 200 के आसपास है उनका भाई, हर चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल जो विन परसेंटेज है डीएसजी यानी कि दर्बन सुपर जायंट्स की बहुत ही ज़्यादा है, 80% रखती है, और मेरे हिसाब से दर्बन सुपर जायंट ही ये मुकाबला जीतने वाली है, क्योंकि भाई पिछला परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल सा चल रहा है, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं सारे प्लेयर, और देखो बाजी यहाँ कोई पलटने का चांस लग ही नहीं रहा, वन साइडेड मैच है, दर्बन सुपर जायंट ये मुकाबला अपने नाम करके जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलना। तो कैसे मुझे वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।